हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में तुम्हारे से खेलने जा रहे GTA 4। और फ्रेंड्स, अपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि हमने उस नशेड़ी को छत पे से नीचे गिरा के मार दिया था ताकि मर्डर टाइप लगे, क्योंकि फ्रेंड्स उसने हमें मारने की कोशिश की थी। उसने पहले कहा कि जाओ ट्रक चुरा के लेके आओ, और फिर उसी के अंदर बम निकला। तो फ्रेंड्स हमने उस बम को ले जाके एक गैराज में फोड़ दिया था। लेकिन फ्रेंड्स उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस नशेड़ी को मारना, क्योंकि फ्रेंड्स वो बारे में जाके दोबारा से नशे ही कर रहा था, तब हमने उसे पकड़ लिया, क्योंकि फ्रेंड्स उसे पकड़ना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं रोमन के, फ्रेंड्स आपने देखा होगा जिसमें एनर्जी बिल्कुल भरपूर भरी हुई है, मतलब हमेशा कुंग फू कराटे करता ही रहता है। तो फ्रेंड्स आज हम उसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसके पास हमें कुछ काम है। तो पहले उससे मिलेंगे, फिर देखेंगे वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं उसके गैराज में, और उसके गैराज में आते ही आप देख सकते हो ये एक बंदा है जो कि कार ठीक कर रहा है। तो इससे पूछता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो हेलो भाई, उठ जा, बता कहाँ पे है वो। तो फ्रेंड्स ये बता नहीं रहा, कह रहा है कि तुम हो कौन जो मैं बताऊँ तुम्हें कि वो कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स मैंने इसे एक लात, मतलब निको ने एक लात मारी इसी बात पे कि कह कि मैं बॉस हूँ। तो फ्रेंड्स उसने कहा, और फ्रेंड्स हम गए उसके पास। तो फ्रेंड्स उसके पास तो अभी हम गए नहीं, वही हमारे पास आ गया। तो फ्रेंड्स इसने समझा दिया इसे कि ये मेरा फ्रेंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इससे बात करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल वही जोशीला सा बंदा दोबारा से ये बन गया है, आप कह सकते हो था ही है पहले से ही। फ्रेंड्स उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए हमें भी इसका काम करना होगा। फ्रेंड्स हमें एक पुलिस कार की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स उसको कार को चुराने के बाद हमें एक क्रिमिनल का पता लगाना है कि वो कहाँ पर रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो पुलिस होते हैं उन्हीं को पता रहता है कि क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास ही रहता है। तो इस वजह से हमें एक पुलिस कार चाहिए होगी, और उसके अंदर से हम कुछ रिकॉर्ड निकालेंगे, या फिर कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन उस बंदे के बारे में कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है, और फ्रेंड्स हमें उसे वहाँ पे मार देना है। तो फटाफट से हम चलते हैं पुलिस कार के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे तेज़ी से कार भगा के यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और मेरे पीछे पुलिस भी पड़ गई, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते ही हो गए कि मैंने पुलिस कार चुराई है, तो पुलिस तो पीछे पड़ने ही वाली थी। तो फटाफट से पहले इनको साइड करके दूर जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले, और आराम से हम इस कार के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल लें। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कार भगाते भगाते बहुत दूर आ चुका हूँ, और फ्रेंड्स मैं आप इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल आराम से। तो फटाफट से इस कार में देखते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, मतलब कार को अच्छी तरीके से छानना होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, या फिर कोई सी पेन ड्राइव जिसके अंदर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मिल सके। तो फ्रेंड्स अभी तो हम ढूंढ ही रहे हैं, काश मिल जाए तो अच्छी बात है। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक रिकॉर्ड तो मिला है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही है, और ये अभी मतलब नेट कनेक्शन से चलता है, तो अभी कनेक्शन दोबारा से लॉस हो गया था तो ठीक हो गया है। तो यहाँ पे व्यू द मोस्ट वांटेड्स में उसका ही नाम होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो जो ख़तरनाक बंदा है, आप कह सकते हो ख़तरनाक बंदा है, इस वजह से थोड़ा तो टाइम लगेगा ही उसे ढूंढने। तो फटाफट से हम चलते हैं इसके अंदर, और फ्रेंड्स उसका नाम सर्च करते हैं। और फ्रेंड्स उसका नाम मेरे को याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हमें याद करना होगा उसका नाम, उसने क्या बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, और फ्रेंड्स इसका नाम है लाइल राविस करके ही कुछ था, तो बस हम यहाँ पे लाइल राविस लिख देता हूँ ताकि जो भी है इससे नाम मैच करता हुआ आ जाए। तो लिख देता हूँ, स्पेलिंग तो मेरे को ठीक ठाक आती नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, काश आ जाए तो अच्छी बात है। तो अब एंटर करते हैं और देखते हैं कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में है या नहीं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने सारे क्रिमिनल है इस रिकॉर्ड में, और फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने अपना नाम भी सर्च किया था, तो अभी मेरा नाम नहीं है तो काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके यहाँ पे नाम है हेडगाउट ब्रोकर वांटेड फॉर ड्रग्स, और फ्रेंड्स ये ड्रग्स डीलिंग का काम करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या करता है और किस वजह से ये पुलिस रिकॉर्ड के अंदर है। और फ्रेंड्स फटाफट से हम चलते हैं इस बंदे के पास, और फ्रेंड्स ये जो कार खड़ी थी बहुत दिन से हॉर्न बजा बजा के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था इस कार वाले ने, तो मैं चाहिए इसे मार दूँ, लेकिन फ्रेंड्स हम अभी पुलिस वाले बने हुए हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं आपको पता है, तो हम पुलिस के थोड़े बहुत तो काम कर ही सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं गलती से पीछे की साइड आ गया था, दरवाजे मेरे ख्याल से आगे की साइड ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कार है मतलब जो ये घर है वो आगे की साइड से ही होगी मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मेरे को। और फ्रेंड्स मैं साइड से कूदते फांदते हुए यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, तो ये रहा यहाँ पे ये रहा घर। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, और हम ये पहुंच के उसके अड्डे पे। और फ्रेंड्स
मैंने यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे होगा, लेकिन फ्रेंड्स वो टॉयलेट में था और उसने मेरी आवाज़ सुन के देख सकते हो एक खिड़की से कूद के भागने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इसे फटाफट से पकड़ना होगा इससे पहले ये कहीं पर भाग ना जाए। तो फटाफट से हम कार में बैठते हैं और फ्रेंड्स मैंने पुलिस की कार पीछे जो गली थी उसमें पार्क कर दी थी, मैं वो वापस लेने जा नहीं सकता, तो जो यहाँ पे कार है उसी से हमें काम चलाना होगा। तो और फ्रेंड्स आप देख सकते हो उसने कार कितनी तेज़ी से भगा ली है, तो मेरे को भी कार काफ़ी तेज़ भगानी होगी अगर उसको मैं पकड़ना चाहता हूँ तो। और फ्रेंड्स वो दूसरी गली से निकल गया और यहाँ पर मेरी कार ठुक गई है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस कार के जो गेट हैं सारे के सारे खुल गए पता नहीं कैसे ही। लेकिन फ्रेंड्स हमें उसे पकड़ना है तो काफ़ी तेज़ी में हमें जाना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे कार भगाते भगाते मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बस मेरी कार दोबारा से किसी से ठुक ना जाए। और फ्रेंड्स हम हाईवे पे आ चुके हैं और फ्रेंड्स इसने सबसे बड़ी गलती यही करी कि इसने हाईवे वाला टर्न ले लिया, क्योंकि फ्रेंड्स हाईवे पे ही मरने का इसका ज़्यादा चांस है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी कार ठुक गई दोबारा से, ये बेकार हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बंदा ये रॉन्ग साइड कार चला रहा है इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स जो उस साइड से कार आ रही है उसे लग रहा है कि मैं इस साइड मोड़ लूँगा और फ्रेंड्स वही मोड़ लेते हैं मेरे मोड़ने की जगह। तो ऐसा हो ना इस वजह से मैं वापस से रॉन्ग वे से राइट वे में आ गया हूँ। और फ्रेंड्स ये भी देख सकते हो कितनी तेज़ी से कार भगा रहा है और यहाँ पे मैं गन निकाल के इसको शूट ही कर देता हूँ फ्रेंड्स, यही काफ़ी तेज़ होगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ी में भग रहा है और फ्रेंड्स इसको एक हेडशॉट लग जाए और यहाँ पे ये गिर जाएगा आराम से। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी कार में आग लग गई और इसकी कार आगे जाके पड़ी। और फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल फिल्म वाला सीन हुआ, मतलब आप जानते हो कि मेरी कार जाके एकदम पेड़ में ठुक गई और फ्रेंड्स उसकी जो बॉडी थी पता नहीं कहाँ ही चली गई, मतलब जब कार में आग लगी थी तो फ्रेंड्स वो भाग गया था, मतलब यहाँ से मतलब कार से जंप लगा दी थी तो उसकी बॉडी पता नहीं कहाँ ही चली गई है। तो उसकी बॉडी अब हम ढूंढने वाले नहीं क्योंकि फ्रेंड्स वो किल हो गया क्योंकि उसको एक हेडशॉट लग गया था। तो अब हम उसको कॉल कर देते हैं, उस जो भी था उस बंदे का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसको कॉल कर देते हैं और बता देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स आज के इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स अगर हाँ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो